Hi everyone, in this video I am going to share with you teaching aptitude PYP. It is the syllabus of UGC NET exam paper 1, general paper and NVS Navodaya Vidyalaya Samiti. This is the question number 24. Which one of the following sequence correctly reflects the evolution of educational technology supports in higher education? Evolution, that means development of education technology. एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ इन दी हायर एजुकेशन में, मतलब स्टार्टिंग से आप बोलो कि स्टैंडर्ड नर्सरी से, चलिए मैं नर्सरी टू स्टार्ट करती हूँ, हायर एजुकेशन जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होती है या फिर किस किस दौर से हम लोग गुजरते हैं, तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले आप बताएं, नर्सरी में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बुक ही तो पढ़ते हैं, है ना. बुक के बाद फिर कहाँ से सीखते हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू सीखते हैं, जब थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है. कंप्यूटर के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमको पूरा पता चल जाता है तब फिर हम देखते हैं कि उसको हम लोग को टीचर क्या करती है, प्रोजेक्ट देती है कि अच्छा से इसको करो उसको करो. फिर जब समझ में आ जाता है फिर हम लोग किस में आ जाते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में, तो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन. तो एजुकेशन में सबसे पहले क्या आया है? बुक ही तो आई है. बिना बुक पढ़े हम लोग को थोड़े क्वेश्चन नॉलेज होती थी, इसीलिए मैंने नर्सरी टू हायर एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया. अब लेवल ऑफ टीचिंग में आइए, तो लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहले ऑटोनॉमस में बच्चा खुद से सीख रहा है, फिर मेमोरी लेवल में रट्टू तोता, लेकिन रट्टू तोता वो रट रहा है कैसे, किसी को इमेज को दिखा के, है ना, पिक्चर इमेज को दिखा. तो पिक्चर इमेज हम लोग दिखाते कैसे, पिक्चर या इमेज को कैसे दिखाते हैं? बुक के थ्रू, है ना. तो बुक में ही, तो बुक के बाद आता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में सीखते हैं. फिर कंप्यूटर्स के बाद में हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको मॉड्यूल मतलब पार्ट वाइज उसको सॉल्व करते हैं, है ना, उसका पार्ट्स बनाते हैं. फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मतलब सीधे आ गए रिफ्लेक्टिव लेवल. ये क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल. ये क्या हो गया, बुक्स एंड कंप्यूटर्स. बुक्स वाले आ गए मेमोरी लेवल पे. अगर आप समझना चाहो तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोला. ऑप्शन है ऑनलाइन मेथड, मॉड्यूलर मटेरियल, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन एंड प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल. सबसे पहले ऑनलाइन मेथड, डेवलपमेंट बोला है तो मतलब आपको स्मॉल टू बिग की तरफ जाना है, मतलब स्टार्ट करना है एकदम स्टार्टिंग जर्नी से. तो सबसे पहले ऑनलाइन मेथड में कैसे आए, सबसे पहले तो हम लोग बुक ही ना पढ़ाई किए हैं, तो ये ऑप्शन ए गलत होगा. ऑप्शन बी मॉड्यूलर मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, मॉड्यूल के बारे में आप जानिएगा कैसे, ये तो उल्टा दे दिया. मॉड्यूलर मटेरियल, प्रोग्राम लर्निंग, ऑनलाइन एंड टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट, ये तो जस्ट उल्टा दे दिया, तो ये हो ही नहीं सकता. मॉड्यूलर मटेरियल कहाँ से आएगा, मॉड्यूल आप कैसे बना सकते हो, कोई भी पार्ट्स को प्रोजेक्ट को बनाओगे कैसे, जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगा, तो नॉलेज के लिए तो फिर से आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा, है ना. तो ऑप्शन बी भी गलत होगी. ऑप्शन सी टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन. यस, पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट बुक पढ़ा, फिर क्या किया, उस पर प्रोग्राम किया, है ना. बुक पढ़ने के बाद उसको प्रोग्राम किया, मतलब कोडिंग किया, समझिए आप कंप्यूटर लैंग्वेज में आइए, कोडिंग की, है ना, मटेरियल्स. फिर उसके क्या किए, मॉड्यूल, मतलब कोडिंग के थ्रू हमने क्या किया, उसका एक अलग अलग पार्ट्स बनाया. पार्ट्स बनाने के बाद फिर हम लोग क्या किए, ऑनलाइन मेथड में गए, है ना. तो ये बिल्कुल सही प्रोसेस है, ये वाला ऑनलाइन मेथड, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल में आ गए. अब ये बोलता है पहले आप प्रोग्रामिंग सीखिए, फिर उसका टेक्स्ट बुक सपोर्ट में गए, फिर ऑनलाइन मॉड्यूल, ये भी गलत है, प्रोग्रामिंग से तो स्टार्ट होगा ही नहीं. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.